नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। अमित शाह के नेतृत्व में बीजेपी ने बुलंदियों को छुआ है। मंत्री के निवास स्थान पर बनाया गया बीजेपी का स्थापना दिवस। वहीं कार्यकर्ताओं ने लिया एकजुटता का संकल्प। पल पल रेवाड़ी से महेंद्र भारती की विशेष रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस आज देश भर में एक साथ रेवाड़ी में भी धूमधाम से मनाया गया। जिला के उपमंडल बावल स्थित जन स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल के निवास स्थान पर आयोजित एक कार्यक्रम में बीजेपी कार्यकर्ताओं के अलावा मंत्री समर्थकों ने भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। कार्यक्रम का शुभारंभ डॉक्टर बनवारी लाल ने पार्टी के संस्थापकों को पुष्पांजलि अर्पित कर किया। इस मौके पर डॉक्टर बनवारी लाल ने कहा कि पिछले 5 सालों के दौरान भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के नेतृत्व में न केवल बुलंदियों को छुआ है बल्कि आज पूरा देश निरंतर प्रगति की ओर अग्रसर है। उन्होंने कहा कि अपने उन्हीं सिद्धांतों के चलते हुए भारतीय जनता पार्टी फिर से लोकसभा चुनाव में पूर्ण बहुमत के साथ अपना परचम फहराएगी और आने वाली सरकार भी भारतीय जनता पार्टी की होगी। डॉक्टर बनवारी लाल ने कहा कि आज पूरा देश भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा है और भारतीय जनता पार्टी एक एक कार्यकर्ता पूरी मजबूती के साथ पार्टी के प्रचार और प्रसार में लगा हुआ है, जो कि बीजेपी की सबसे बड़ी ताकत है। आप देखें पल पल की विशेष रिपोर्ट के साथ अन्य खास खबरें। डॉक्टर, स्थापना दिवस आज बीजेपी का मनाया गया, आपके कार्यालय में क्या कहेंगे? आज पार्टी का स्थापना दिवस है तो आज हमने अपने कार्यालय पर झंडा फहराकर इसको मनाया और सभी भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी कार्यकर्ता यहाँ आए और सभी ने मिलकर इस प्रोग्राम को मनाया। क्या कुछ संदेश? पार्टी का जो 1980 में 6 अप्रैल 1980 को भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई थी और उस समय भारतीय जनता पार्टी के 2-4 सांसद होते थे, लेकिन आज जिस तरह से पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मेहनत की है और माननीय अमित शाह के कुशल नेतृत्व में जो भारतीय जनता पार्टी आज विश्व की 1 नंबर की पार्टी बनी है, उसके लिए भी कार्यकर्ता बधाई के पात्र हैं, क्योंकि कोई भी पार्टी कार्यकर्ताओं से चलती है और कार्यकर्ताओं की मेहनत से ही आज भारतीय जनता पार्टी विश्व की 1 नंबर पार्टी है और आज भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता पार्टी को समर्पित है और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का एक सिद्धांत है कि वही सबसे पहले देश, उसके बाद पार्टी और उसके बाद स्वयं, तो उसी सिद्धांत पर चलते हुए हर कार्यकर्ता अपना काम कर रहा है और भारतीय जनता पार्टी इसी तरह आगे बढ़ती रहेगी और आने वाले चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी दोबारा से मोहम्मद की सरकार बनाएगी और नरेंद्र भाई मोदी दोबारा से देश के प्रधानमंत्री बनेंगे और इस राष्ट्र को